मैं विराट रूपधारी फरिश्ता हूं। यह विराट विश्व, परम सत्ता, निराकार परमात्मा शिव, यों विराट रूपधारी ब्रह्मा की अद्भुत रचना है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि की रचना की। वास्तव में सूक्ष्म रूप में हम सभी महान आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्पों से ही इस समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है। हम ब्रह्मावसों के ही शुभ संकल्पों से पुनः स्वर्णिम सृष्टि का सृजन होने वाला है। तो आइए अपने संपूर्ण विराट स्वरूप का अनुभव करते हुए शुभ एवं श्रेष्ठ संकल्पों से सुखमय संसार की रचना करें। मैं प्रकाशमान चैतन्य सितारा हूं। मैं प्रकाशमान चैतन्य सितारा हूं। भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं मस्तक मणि हूं। मेरे मस्तक से शक्तिशाली किरणें संपूर्ण शरीर में फैलती जा रही। मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाशमय हो गया है। चारों ओर मेरे शरीर से लाइट ही लाइट निकल रही है। मैं लाइट हाउस हूं। मैं माइट हाउस हूं। सुख शांति प्रेम आनंद और पवित्रता की किरणें मुझसे निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही है। मैं शरीर में विद्यमान प्रकाश में फरिश्ता हूं। मेरे लाइट के शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब मेरा ये आकारी स्वरूप धीरे धीरे सूक्ष्म वतन तक पहुंच गया है। मैं प्रकाश में चमकता हुआ दिव्य फरिश्ता हूं। दिव्य फरिश्ता हूं। अब मेरा विराट रूप सूक्ष्म वतन से परम धाम तक पहुंच रहा है। ये मेरा सूक्ष्म विराट रूप अब तीनों लोकों में विद्यमान है। यह विराट रूप विराट रूपधारी ब्रह्मा बाबा से केवल हम ब्रह्मावसों को ही प्राप्त है। ये हमारी सर्व शक्तियों एवं सर्व प्राप्तियों की संपन्नता का सूचक है। मेरी ये प्रकाशमय काया एक ओर परमधाम को तो दूसरी ओर पृथ्वी को स्पर्श कर रही है। ये मेरा विराट रूप अत्यंत
शक्तिशाली, दिव्य एवं अद्भुत है, अद्भुत है। मैं अपने विराट रूप का शेष भाग परम धाम में अनुभव कर रहा हूं। परम धाम निर्वाण धाम में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। अब मैं शांति सागर शिवाबा के साथ स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। प्यारे बाबा, मुझे सुख शांति प्रेम आनंद यौम पवित्रता की किरणों से भरपूर कर रहे। मेरा जन्म जन्मांतर का विकर्म दग्ध हो रहा है। मैं शुद्धता पवित्रता तथा हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। यही मेरा निज धाम है। ये धाम सुनहरे लाल प्रकाश से भरा हुआ है। मैं स्वयं भी अपने सुनहरे लाल प्रकाश स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं। स्वयं को शांति का अपार भंडार महसूस कर रहा हूं। यहां मैं सच्ची मुक्ति की स्थिति का आभास कर रहा हूं। मुझे सर्व बंधनों से मुक्त निश्चिंत स्थिति का अनुभव हो रहा है। बाबा और मैं कंबाइंड रूप में हूं। आहा, ये कितना सुंदर और शक्तिशाली अवस्था है। इस कंबाइंड रूप के अनुभव में ही सर्व शक्तियां समाई हुई है, सर्व प्राप्तियां समाई हुई। आहा, ये कितना अनोखा शक्तिशाली अनुभव है। कंबाइंड स्वरूप के अनुभव में ही बाबा का स्नेह और प्यार समाया हुआ है। मैं बिंदु स्वरूप बाबा के स्नेह में समाने का अनुभव कर रहा हूं। इस अनुभव से आत्मा दिव्य एवं पवित्र होती जा रही है। यही मेरा निज धाम और निज स्थिति है। मैं बिंदु रूप सो सिंधु स्वरूप का अनुभव कर रही हूं।
प्यारे बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। बाबा, आपने मुझे अपने समान सर्वशक्तिमान बना लिया है। मैं बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूं, संपन्न आत्मा हूं। अब मैं अपने शक्तिशाली विराट स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं, जो परम धाम से साकार वतन तक फैला हुआ है। शिव बाबा से सर्व शक्तियां लेकर मैं साकार वतन में प्रसारित कर रहा हूं। परम धाम से दैव्य प्रकाश मेरे मस्तक तथा शरीर से प्रवाहित होते हुए पैरों से निकलकर समस्त विश्व में फैल रहा है। समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो रहा है। ये परमात्मा शक्तियां मेरे विराट रूप से सारे ब्रह्मांड में बिखर रही है, बिखर रही है। ये विराट रूप मुझे विराट विश्व की सेवा के लिए विराट कर्तव्यों की याद दिलाता है। ये शक्तिशाली किरणें पूरी धरती को शांति और शीतलता प्रदान कर रही है। पृथ्वी पवित्र एवं शुद्ध होती जा रही है, होती जा रही है। विश्व कल्याणकारी परमात्मा से शक्तिशाली किरणें परम धाम से साकार वतन में दूर दूर तक पहुंच रही है। इन कल्याणकारी किरणों से भूमंडल पर अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की ये शक्तिशाली किरणें अनेक निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना रही है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली भोलेनाथ शिव बाबा की करुणा से भरपूर ये परमात्मा किरणें प्राप्त कर अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। विश्व की आत्माएं ज्ञान सागर की ज्ञान किरणों को प्राप्त कर रहे हैं। इन किरणों से अनेक आत्माओं में ज्ञानोदय हो रहा है, ज्ञान का उदय हो रहा है।
सभी आत्माएं परमात्मा प्रेम एवं शक्तियों का अनुभव कर रही है। असहाय आत्माएं परमात्मा सहारे का अनुभव कर रही है। ईश्वरीय कृपा का अनुपान कर रही है। भूमंडल की सभी आत्माएं प्रभु प्रेम में मग्न हो रही है, मग्न हो रही है। शांति से भरपूर आनंदमय जीवन का अनुभव कर रही, शांति से भरपूर आनंदमय जीवन का अनुभव कर रही, अनुभव कर रही। अब मैं विराट रूप धारी फरिश्ता परम धाम से अपने आप को समेटकर विश्व के ग्लोब पर विराजमान हो जाता हूं। मैं फरिश्ता परमात्मा से आनंदमय किरणें प्राप्त कर सारे भूमंडल में फैला रहा हूं। इन किरणों से विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूं। ये मेरा विराट रूप समस्त संसार को ईश्वरीय प्रेम यौम प्रकाश से संपन्न करता रहेगा। परमात्मा के परम कर्तव्यों को साकार रूप देने के लिए प्राप्त मेरे इस विराट रूप का सारा संसार गायन एवं वंदन करता रहेगा, वंदन करता रहेगा। मैं अपने ही इस विराट स्वरूप का स्मरण कर भाव विभोर हो रहा, भाव विभोर हो रहा। प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा एवं विश्वात्मा ब्रह्मा बाबा के प्रति मैं कृतज्ञता से आभार व्यक्त कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं प्रकाश में विराट रूपधारी फरिश्ता विशाल संसार को अपनी विराट सेवाएं प्रदान करता रहा हूं और करता ही रहूंगा, प्रदान करता रहा हूं और करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। ओम शांति।